लक्ष्य। इज्राएल आक्रमण में निपात हवा पर हमास शक्तिन हो पड़ा चर्चा होता तेरे एसबू भितर इज्राएल राजधानी तेल अभिव उपर रकेट मार कर हमास केवल रकेट मार करनी यह आक्रमण लाइव भिडियो जारी कर तेरे आक्रमण में केते क्षति पहुंची तार सूचना वर्तमान सुधा सामना को आसीना। ईरान बेले हमास मुख्य को हत्या कर हत्या इज्राएल निजक दायी कर ईरान अनुमान कर इज्राएल ही काम तेणु ईरान जेकोसी समय इज्राएल पर आक्रमण करे ए चर्चा होता अंपटे हमास मुख्य को हत्या करा पर हमास दुर्बल हो अर्थात हमास शक्तिन हो जाएगी अनुमान करा किंतु हमास वर्तमान शक्तिन होना बा दुर्बल होना एवं हमास सक्रिय रही कि ढंग से जवाब दे हमास। अश्विनी साहू मो सहयोगी रोचान अश्विनी पूरा अपडेट कौन अच्छी केत घटना घटी ए संपर्क में हमास पक्ष कौन सब स्पष्टीकरण दि जा बर्तमान जो वीडियो जारी अगस्त 13 तारीख रीडियो बर्तमान हमास आक्रमण करते इज्राएल राजधानी तेल अभिव उपर दुईट रकेट माड़ कर दावी करते केवल दावी करनी गोटे वीडियो जारी करीडियो जारी कर गोटे कथा हूँ जे हमास दुर्बल हो जाता जो चर्चा होता इस्माइल हनियार मृत्यु पर बर्तमान से दुर्बल होनी बर शक्तिशाली अच्छी से आक्रमण करार साहस और सक्षम रखी बोली यह स्पष्ट करुच्ची गोटे जिन स्पष्ट हो इज्राएल स्वीकार कर हमास रकेट माड़ हो इज्राएल सेना पक्ष प्रतिरक्षा विभाग पक्ष स्पष्ट कर दुईट रकेट माड़ कर किंतु इज्राएल कहूँ जे गोटे रकेट एक समुद्र में पड़ी और अन्य रकेट की इज्राएल स्थलभाग को छई सारी ना तेल अभिवृद्ध सीमा को स्पर्श कर पारे तेणु हमास जो दाबी करते आम आक्रमण करते क्षति होदि आम इज्राएल कथ को विचार करवा तेज कौन से क्षति होना किंतु इज्राएल यार प्रतिजवाब देती अगस्त 13 तारीख में संगे संगे जो हमास रकेट माड़ प्रतिजवाब देवा जाइए से गाजा उपर 40 ठिकन टार्गेट करन घन जो रकेट माड़ होती व्यापक क्षति होती कहु हमास अनेक कमांडर ठिकना को टार्गेट कर पाखापाखि 19 जन पालेस्टिनियन निहत होती जितेबाला गोटे पटे हमास आक्रमण करुच्ची इज्राएल कौन क्षति पहुंचुनी इज्राएल स्पष्ट करमर कौन क्षति होनी किंतु इज्राएल पालटा आक्रमण में गाजा पाखापाखि 19 जन पालेस्टिनियन निहत होती पाखापाखि हमास 40 आड्डा दस्त हो इश्यू को जब आम विचार ना तेज मध्यप्राच्य के पुणी गोटे युद्धर कला बादल बर्तन घनैला कहुपर बिल्कुल अश्विनी एवं आम समस्ते जाचे जितेबाद हमास मुख्य ईरान रे रही थे से समय हत्या कर ईरान सीधा सड़क इज्राएल को दायी करा किंतु इज्राएल एक कथा को खंडन कर ग्रहण कर तेणु तिक्तता बढ़ुला अनुमान हूँ ईरान जेकोसी समय आक्रमण करें इज्राएल पर किंतु वर्तमान आम देखुचे हमास आक्रमण कर संपर्क में इज्राएल अस्वीकार कले इज्राएल पक्ष आपत अपडेट दौरान अनेक हमास आड्डा उपर आक्रमण कर हमास आतंकवादी मानंकु निपात करा जायछि अनेक क्षय क्षति होइथिबा मध्य जना पड़ी अर्थात अश्विन ए जगह बुझा पड़ब कि वर्तमान इज्राएल को घेरिबा पाई उद्यम करुछन्ति गोटिए पटे हमास द्वारा आक्रमण करा जाउछि अन्य पटे ईरान मध्य निजर प्रस्तुति आरंभ करिछि एहा होउछि युद्ध पूर्वर सिग्नल एतिकि बुझा को पड़ब कारण गोटिए पटे जेतले इस्माइल हनियार हत्या होता तेबू रक्तमुखा अच्छा ईरान और तमाम गोष्ठी पक्षपटे जो रही आक्रमण पूर्वाभास गत सप्ताह आमेरिका देता जो कही कौन से समय इज्राएल उपर गोटे आक्रमण हो पाए हे तो कहुपर जे ये हूँ से आक्रमण बिल्कुल ये गोटे आरंभ हो जाए कहे भूल हम ना डॉक्टर विनोद मिश्र आम सहित रोचान वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मिश्र आपको स्वागत करुच्ची वर्तमान हमास आक्रमण अनुमान करा ईरान किसी पदक्षेप नहीं पारे किंतु हमास एभली आक्रमण करी कौन वार्ता देवाई चाहूँ बा इज्राएल को कौन वास्तव में सूचना दौर अटैक डायरेक्टली इज्राएल एसेट्स मानक यूज करी वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटैक ऑफ आवर चूजिंग सो से माने इरान डजंट वांट टू डायरेक्टली इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द वॉर कारण जाने भलकि इफ इरान जॉइंस इन डायरेक्टली देन यूनाइटेड स्टेट्स विल स्टेप इन जोटा कि रूल आउट करा जाए ना पारे वर्तमान पर्यंत जहां स्ट्रेटेजी ईरान रही चली हिजबुल्ला इज अटैकिंग हमास इज अटैकिंग यू कैन सी हाउटीज माइट अटैक देयर माइट बी अदर फोर्सेस इन सीरिया व्हिच माइट आल्सो अटैक
तेणु एटा हूँ ईरान स्ट्राटेजी मल्टीपल अटैक्स बाय मल्टीपल एजेंसीज नॉट जस्ट बाय ईरान एज ए स्टेट बट यूजिंग ऑल इट्स प्रॉक्सीज इन द रीजन दे विल ओके डॉक्टर मिश्र केवल हमास तो आक्रमण करिनि आक्रमण समयर वीडियो मध्य जारी करिछि यार अर्थ कोन यस दैट इज सी इट इज इन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन इट्स अ वन अपमैनशिप कांसेप्ट किए केते कहा को डरै परछि किए केते कहा को यू नो भयभीत करै परछि दैट इज व्हाट इज द वॉर ऑल अबाउट जहां भी आगुर झूठ भी ये जो वॉर कारण जो दैट इज 7th अक्टूबर तो जो अटैक इट इज प्रीसीडेड बाय मेनी सच अटैक्स बाय द इजराइलीज एंड समाने इटर प्राइड नियंती बोथ द साइड इफ दे किल वन मेंबर ऑफ द ऑपोजिट कैंप दे फील प्राउड अबाउट इट एंड दे बोस्ट अबाउट इट सो सिमिलरली हमास इज ट्राइंग टू दिस इज अ पॉलिटिकल कैंपेन टू लॉन्च अ वीडियो क्लेमिंग दैट दे हैव done something against Israel. It's a political campaign for them. So that is the objective, to show that they have the ability, the one of their ability rohichi to cause harm to Israel. That's what is the purpose. अर्थात एबे बुझा पड़िबो कि हमास युद्ध लड़ुची सत किंतु सबु किछि परिचालित करुची बा परिचालना करुची ईरान एवं वर्तमान वास्तव रे ईरान एवं इजराइल भितरे ही युद्ध चालुची बा से भली स्थिति एब्सोल्युटली द एंटायर रीजन र on instability is due to the fact that Iran and Israel are at war. Palestine is the issue, but the warring factions in fact are Israel and Iran. Make no mistake, Iran is already involved, and without Iran's involvement, all these countries, all these organizations shall have no existence, including Gaza and including Palestine. So Iran's support to Palestine is a much needed, one can say, karna other than that how konasi country emiti nanti je ki Israel existence ko rakha kariba pai eta sahajya kariba the Arab countries are there, but so far as helping Palestine against Israel is concerned, it is Iran only which officially stands behind the Palestinians. Bahut bahut dhanyabad Dr. Mishra apan ko pratikriya pai.